A small metal sphere carrying a charge capital Q is located at the center of spherical cavity in a large uncharged metal sphere as shown. तो वो कह रहा है कि एक ना मेटल स्फेयर है, ठीक, एक मेटल का स्फेयर है और थिक है. कैसे थिक है? क्योंकि इसमें रेडियस क्या गिवन है, R1 और एक R1 और एक R2. R2 चलो बीच का डिस्टेंस है पर एक थिक है. तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि ये एक मेटल का स्फेयर है, मान लो थिन है, पतला है, ठीक, कोई थिक नहीं है. मेरे को सिर्फ ये बताना है कि अगर ये मेटल है, कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बाय इंडक्शन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींच लेगा. इंडक्शन की थी तो यहां पर बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू. क्लियर है यहां तक? पर क्योंकि यहां पर माइनस क्यू है तो यहां के बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, तो यहां पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. ये है इंडक्शन की प्रॉपर्टी. तो इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है. याद रहेगा यहां तक? अगर ये शेल मोटा होता, थोड़ा थिक होता, जैसे ये रहा, ये थिक शेल है और इस थिक शेल के अंदर कंडक्टिंग मटीरियल भरा हुआ है, दिस इज अ कंडक्टर. तो थिक शेल के अंदर कंडक्टर है. तो अगर आपके पास यहां पर क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये रूल है. कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू भी क्या रहती है, जीरो, ये भी रूल है. कोई चार्ज नहीं, कोई ई नहीं, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है. तो अगर ये प्लस क्यू है तो बाय इंडक्शन कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और ये माइनस क्यू हो जाएगा. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गए तो यहाँ पर आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू. क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बीच में कुछ नहीं होगा, चाहे थिक है चाहे थिन है, फर्क कोई नहीं पड़ता. माइनस क्यू प्लस क्यू तो लगेगा ही लगेगा कंडक्टर के अंदर, कोई डाउट इसमें? ये स्टेप सबको क्लियर है. तो अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक मेटल का कंडक्टर है और क्यू चार्ज है, और आपको ये भी गिवन है कि अगर ये क्यू चार्ज है, आपको आर वन डिस्टेंस पे यहाँ पे ई निकालना है और आपको आर टू डिस्टेंस पे भी यहाँ पे ई निकालना है. तो एक काम करते हैं, अगर हम कंडक्टर की, इसी कंडक्टर की बात कर लें, तो इस कंडक्टर के अंदर ये रहा वो कंडक्टर जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है. तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर R1 डिस्टेंस पे क्या निकालना है, E निकालना है. जहां पे E निकालना है वहां क्या लेनी है, गॉशियन सरफेस. तो ये गॉशियन सरफेस है, गॉशियन सरफेस है. तो अगर मैं इन सभी गॉशियन सरफेस को मिला लूं तो ये बन जाएगा. तो ऑब्वियसली इसमें ई डी एस कॉस जीरो. तो इस गॉशियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई इंटू फोर पाई आर वन का स्क्वायर. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, यही आएगा. अब टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम से क्या होता है, इस ग्रीन कलर की सरफेस के अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. तो अंदर का चार्ज क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इन्हें इक्वेट कर लो तो ई इंटू फोर पाई इंटू आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R1 का square. कोई डाउट इसमें? पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि मुझे E की वैल्यू R1 पे नहीं निकालनी, मुझे E की वैल्यू कहां पे निकालनी है, R2 पे निकालनी है. और R2 क्या है, R2 ये डिस्टेंस है, इसके अंदर ये वाला कंडक्टर के अंदर वाला डिस्टेंस है. पहला रूल शॉर्टकट लगा दो, किसी भी कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो. आंसर क्या आएगा, जीरो. पर चलो एनसीईआरटी में प्रूफ करने को आ गया कि प्रूफ करो कंडक्टर के अंदर यहां पर ई जीरो है, फिर तो दिखाना पड़ेगा करके. तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके अंदर कंसिडर करेंगे गॉशियन सरफेस. तो आप इसमें गॉशियन सरफेस कंसिडर करें जिसमें ये रो. तो आप गॉशियन सरफेस कंसीडर करें R2 पे, तो ये बन गई इमेजिनरी गॉशियन सरफेस, इमेजिनरी गॉशियन सरफेस. ठीक हो गया? अब क्योंकि ये Q चार्ज है
जो क्यू चार्ज है वो इंडक्शन की प्रॉपर्टी शो करेगी, तो यहां पर क्या आएगा माइनस क्यू वन, यहां पर क्या आएगा प्लस क्यू। ये स्टेप क्लियर है? तो अब इस गॉशियन सरफेस में E इंटू फोर पाई आर टू स्क्वायर, ये फ्लक्स है, इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अ गॉशियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ग्रीन कलर में चार्ज होगा क्या, ये होगा शेडेड चार्ज जो भी इसके अंदर, मतलब सॉरी शेडेड कह रहा हूं, इस ग्रीन कलर के अंदर पूरा चार्ज ये पूरे का पूरा ही होगा, जिसमें प्लस क्यू भी आ रहा है, जिसमें माइनस क्यू भी आ रहा है, तो क्यू माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, जीरो, क्योंकि चार्ज और चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो प्रूव हो गया कि कंडक्टर के अंदर E की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। क्या स्टेप क्लियर है? अगर प्रूव करने को आ जाए, अदरवाइज तो मैंने बता ही दिया कि गॉशियन सरफेस लेने की जरूरत ही नहीं है, कंडक्टर के इनसाइड E इज ऑलवेज जीरो। ठीक, बोलो, कंडक्टर के अंदर चार्ज है ही नहीं, मैंने कहा इस गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज, गॉशियन सरफेस के किसी भी कंडक्टर, अगर ये क्यू चार्ज है कंडक्टर की, यहां पे चार्ज होगा, अंदर नहीं होगा, यहां पे भी होगा, तो मैंने ये वाला चार्ज लिया, ये अंदर नीचे की तरफ जो है ये वाला माइनस क्यू, ये है, यहां तो होगा, प्लस क्यू तो गिवन है, वो तो हम हमारी वो नहीं है कैसे है वो हमें नहीं पता, तो प्लस क्यू तो इसमें गिवन है। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें यही क्वेश्चन गिवन है कि इसके आर वन पे ई निकाल दो और आर टू पे ई निकाल दो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू हैज अ चार्ज क्यू। तो इसमें ना एक चीज गलत किया हुआ है, इस फिगर में प्लस चार्ज को अंदर लेके आया हुआ है, जबकि प्लस चार्ज कहां पर होगा, सरफेस के बाहर होगा, सरफेस चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा बाहर की तरफ होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता, गलत बना हुआ है, तो ये बाहर होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर ये क्यू चार्ज इसके अंदर पड़ा हुआ है स्मॉल क्यू, और हमने ये शेल है, दिस इज अ शेल, और इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, एक दिक्कत है जब आप क्वेश्चंस करते हैं, कई लोग कहते हैं कंसेंट्रिक शेल्स हैं, दो शेल्स हैं, कोई कहता है एक थिक शेल है, कोई कहता है दो एक सॉलिड स्फीयर है, तो कोई कहता है ये क्लोज सरफेस है, गॉशियन सरफेस है, ये ना सबकी फिगर एक ही बनती है, गोल सर्कल ही बनता है, आपको पढ़ना पड़ता है कि एग्जैक्टली फिगर क्या है, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसके अंदर ये कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस आर वन है, आउटर रेडियस आर टू है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास ये एक शेल है, ये एक शेल है और कंडक्टिंग थिक शेल है, तो कंडक्टिंग थिक शेल के अंदर यहां पर चार्ज कितना है, क्यू है पॉजिटिव, और एक चार्ज ऑलरेडी मैंने इस शेल को दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, आउटर सरफेस पे दिया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं ना इसको शेड कर देता हूं ये शो करते हुए दैट दिस इज अ कंडक्टर। तो ये क्या है, एक कंडक्टर, इसके अंदर चार्ज नहीं आएगा, बाहर 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 आएगा। यहां तक क्लियर है? तो इसका जो रेडियस है वो सपोज कितना है, इनर रेडियस आर वन है और आउटर रेडियस कितना है, आर टू है। अब इसमें क्या हो जाएगी, कंडक्टर इंडक्शन होगी, इंडक्शन क्या कहती है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके इनर साइड पे क्या जाएगा, नेगेटिव क्यू, और बाहर क्या चला जाएगा, प्लस क्यू। तो कुल मिला के टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे क्यू प्लस क्यू और इनर सरफेस पे माइनस क्यू। क्वेश्चन आएगा, इनर सरफेस का सिग्मा निकालो, सिग्मा, सिग्मा क्या होगा, इनर सरफेस का चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ये लो एरिया, इनर सरफेस का चार्ज बाय एरिया, और आउटर सरफेस का सिग्मा निकालो, आउटर सरफेस का चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, सिग्मा की वैल्यू इनर और आउटर की कैसे निकलेगी, पहले इंडक्शन लगेगी फिर सिग्मा निकलेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी और कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि इनर और आउटर सरफेस में चार्जेस कैसे होंगे, और फिर सिग्मा की वैल्यू इसमें सेम नहीं रहेगी, सिग्मा इंडक्शन की वजह से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन है, तो इनर के ऊपर माइनस क्यू बाई फोर पाई आर वन स्क्वायर, आउटर के ऊपर क्यू प्लस क्यू फोर पाई आर टू स्क्वायर, ये हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है, इसी प्रॉब्लम में आप मुझे करके दिखाएं एक बार कि ये सिग्मा, तो चलो हमने एक पार्ट निकाल ही दिया, देखो इस प्रॉब्लम में आपको मुझे ई निकाल के दिखाना है, अब ई
ई निकाल के दिखाना है यहां पे, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर टू, जो आर टू आउटर रेडियस है, एक्स उससे बड़ा है, तो यहां पे ई की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन में बताओ। तो सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ जो गॉस थ्योरम, क्या बनाए, गॉसियन सरफेस। तो चेक करो आंसर क्या आ रहा है, सेवन नॉट इनटू 4 पाई x2। सर ये देखो इसमें, अच्छा हाँ ठीक है, q प्लस q, ठीक है, तो इसके कितना आ रहा है, तो इसके अंदर गॉशियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी रही गॉशियन सरफेस। गॉशियन सरफेस में अगेन वही e और ds की अगर बात करते हैं, तो e वेक्टर और ds वेक्टर, ये रहा e और ds के अंदर जो जो टोटल फ्लक्स होगा रादर, वो e इंटू ds की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो e इंटू 4 पाई x का स्क्वायर इज इक्वल टू q इनसाइड। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, q प्लस q माइनस q प्लस q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ गया, E is equal to 1/4 pi epsilon naught q plus q divided by x square। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, आंसर क्या आएगा इसमें, अच्छा ठीक है, ठीक, तो ये इसका आंसर है। तो यही क्वेश्चन है आपका यहां पे, ये देखो, तो यही क्वेश्चन है कि आपको इसमें E की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, आउटसाइड x डिस्टेंस पे निकालनी है, तो x डिस्टेंस की वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन मिलता जुलता है, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि सपोज ये कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ये रहा, इस चार्ज, ये कैविटी है और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो क्वेश्चन के अंदर ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हमने क्या चार्ज रख दिया, क्यू, तो बताओ इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज बनेंगे। तो अगर ये क्यू है तो बाय इंडक्शन ये माइनस क्यू है, तो आउटर सरफेस पे ये प्लस क्यू है, तो बन गया, और इसको ऑलरेडी चार्ज मिला हुआ है कितना, कैपिटल क्यू, तो आउटर पे क्या मिल गया, क्यू प्लस क्यू, और इनर पे क्या हो गया, माइनस क्यू, और यहां पर क्यू, क्लियर है यहां तक। तो ये इसका डायग्राम है, तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडक्शन करके दिखाओ इनर और आउटर पे क्या चार्ज होगा, रादर इसके अंदर तो वो ये भी करके दिखा रहा है कि ई की वैल्यू कंडक्टर के अंदर जीरो की होती है, वो एक्चुअल में इसलिए जीरो होती है, ई की वैल्यू अभी हमने किया भी था कि अगर ये क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये जैसे प्लस क्यू है, तो अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस देते हैं तो उसका गॉसियन सरफेस के चार्ज इनसाइड क्या होता है, जीरो, क्यू और माइनस क्यू जीरो, तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या जाएगी, जीरो, इसलिए ऐसा लेते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार देखें और कितने लोगों को चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई ये भी बताएं।
कितने लोगों को ये समझ में आ गया, ये चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस मैंने तीनों शेल्स को दिए, तीन शेल्स को दिए। पहला Q1 दिया, दूसरा Q2 दिया, Q2 पूरे शेल को दिया। कोई ये ना कहे कि ऊपर दिया कि अंदर दिया, दोनों मिला के Q2 दिया। Q3 मैंने इसको दिया, तो अंदर बाहर मिला के टोटल Q3 हो गया। तो क्योंकि उसने ये बोला कि Q1 चार्ज अंदर के शेल का है, Q2 बीच वाले का है और Q3 बाहर वाले का है। तो आपको क्या निकालना है, इट इज फाउंड दैट सरफेस डेंसिटीज ऑन आउटर शेल्स, आउटर सरफेस के ऊपर सरफेस डेंसिटी आउटर वाले की एग्जैक्टली सेम है तीनों की। अब सरफेस डेंसिटी दो निकलती है, एक तो इनर सरफेस की और एक आउटर की, तीनों शेल्स की आउटर आउटर का सिग्मा सेम है। तो आपको इसमें रेशियो बतानी है Q1, Q2 और Q3 के। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करो ये शेल नंबर वन है, ये शेल नंबर वन है, ये शेल नंबर टू है और ये शेल नंबर थ्री है। ये लो तीन शेल्स हैं। तो इसमें जो रेडियस है वो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ये आर है, ये टू आर है और ये थ्री आर है, तीन रेडियस है। ये भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, इसको चार्ज हमने कितना दिया, Q1। जो सबसे अंदर का शेल होता है ना, उसके नीचे की तरफ कभी चार्ज नहीं होता, स्टार्ट जो होता है इनर शेल से करते हैं, उसके हमेशा बाहर ही चार्ज होता है Q1। फिर इसको हमने चार्ज दिया Q2। अब कैसे दिया, अंदर दिया बाहर दिया, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हम, बस Q2 चार्ज दिया। और ऐसे ही इसको दिया Q3, क्योंकि इसके अंदर बाहर दोनों चार्ज होंगे, क्योंकि इंडक्शन लगेगी ना, तो ये चार्ज नेगेटिव नेगेटिव होते जाएंगे, तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा, लेकिन कुल मिला के अंदर बाहर का चार्ज Q3। टोटल चार्ज इसमें कितना, Q2। टोटल चार्ज इसमें कितना, Q1। बस पहला शेल है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक हो गया। तो पहले शेल पे तो Q1 ही रहेगा। अब इस केस में वो कह रहा है कि जो सिग्मा की वैल्यू है वो तीनों शेल्स की एग्जैक्टली सेम है। तो बोलो पहले शेल का सिग्मा क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। दूसरे शेल में सिग्मा क्या होगा बोलो, कितने लोग बोलते हैं Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2R स्क्वायर, नहीं बोलते? ऐसा क्यों नहीं बोलते Q2? क्योंकि Q2 टोटल चार्ज है और हमें सिग्मा किसका निकालना है, आउटर सरफेस का। हमें सिग्मा जो निकालना है वो बाहर के सरफेस का, हमें क्या पता Q2 में से कितना चार्ज अंदर है कितना बाहर है, शेल के नीचे कितना शेल के ऊपर कितना पता ही नहीं। तो इसलिए मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि एरिया इसके इक्वल होगा, एरिया इसके इक्वल होगा। तो मुझे कोई ये बताए कि अगर एरिया इसके इक्वल होगा, जो कि यहाँ पर 4 फैक्टर आएगा, तो यहाँ पर चार्ज 4Q1 कर लूँ। 4Q1 क्यों, ताकि इसकी रेशियो रिमेन्स सेम, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। कोई डाउट इसमें, क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो मैंने ऑटोमेटिकली अपने माइंड में सोचा कि इसका जो आउटर सरफेस है, इसका चार्ज अगर Q1 है, तो इसके आउटर का चार्ज तो कम से कम मैंने निकाल लिया कितना, 4Q1। ये नहीं चेंज होगा ना, ये चेंज होगा, फिक्स हो गए चार्जेस, क्योंकि सिग्मा सेम करना है। अब इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा चार्ज, मुझे नहीं पता, Q3 तो कम से कम नहीं होगा। तो इसके लिए काम करते हैं, मुझे ये पता है कि आखिरी का एरिया इसके इक्वल है, तो यहाँ पे 9 फैक्टर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9Q1। तो 9Q1 से क्या हो जाएगा, 9 9 कैंसल। तो ये भी पता लग गया कि इसके आउटर में कितना चार्ज है, 9Q1। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? इन चार्जेस को इतना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा तभी बराबर आएगा, नहीं तो सिग्मा बराबर नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है यहां तक? मैंने आउटर चार्ज निकाल दिया, अब मुझे क्या निकालना है, इनके नीचे के चार्जेस निकालने हैं। नीचे के चार्जेस निकालने के लिए काम करते हैं, नीचे के चार्जेस के लिए Q1 बाय इंडक्शन कंडक्टिंग शेल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस Q1। पर मैं जैसे ही यहां पर प्लस Q1 बोलूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5Q1। और जैसे ही 5Q1 आएगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू फिर सेम नहीं रहेगी। अब ये कंडीशन चेंज नहीं हो सकती, ये कंडीशन चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पर मैंने कैलकुलेशन से कैलकुलेट किया हुआ है कि चार्ज 4Q1 ही आएगा। तो आप ये एज्यूम करें, आप समझ भी सकते हैं कि अगर ये -Q1 है, इंडक्शन तो लगेगी, तो यहां पर एक्चुअल में चार्ज था 3Q1 और Q1 इंडक्शन का आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 4Q1। तो इंडक्शन यहां पर ऑलरेडी लगी हुई है, ये एज्यूम करना पड़ेगा।
क्लियर है कि कुल मिला के चार्ज 4q1 तभी बनेगा। ठीक, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां से शुरू हो जाता हूं, यहां पर प्लस q1, तो 5q1 कंडीशन फेल। अब ये मैंने निकाला कैसे? ये मैंने कोई इंडक्शन से थोड़ा निकाला है चार्ज, ये तो मैंने कैलकुलेशन से निकाला है कि फाइनल चार्ज सरफेस के ऊपर 4q1 रहेगा इंक्लूडिंग दिस इंडक्शन का प्लस q1 चार्ज। तो यानी कि एक्चुअल चार्ज यहां पर 3q1 है, इंडक्शन की वजह से 4q1 हो गया। अब फिर से इंडक्शन लग गई -4q1, तो यहां पर क्या आना चाहिए? +4q1। पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो इंडक्शन वो सिग्मा फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये मैंने कैलकुलेशन कहां से की? सिग्मा से, मैंने कोई इंडक्शन थोड़ा ना की। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी 4q1 इंक्लूडेड है, इसका अपना चार्ज था 5q1 और 4q1 इंडक्शन का, तो कुल मिला के क्या हुआ? 9q1। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसमें ऑलरेडी इंडक्शन के चार्जेस को इंक्लूड किया गया है और ये चार्जेस चेंज हो नहीं सकते क्योंकि सिग्मा तीनों का एग्जैक्टली सेम के बना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो अब फर्स्ट शेल का नेट चार्ज कितना है? q1। सेकंड शेल का नेट चार्ज कितना है? इन्हें ऐड कर दो, क्या हुआ? 3q1, तो q2 आ गया। नेक्स्ट का नेट चार्ज कितना है? 5q1, तो ये q1 आ गया, ये q2 आ गया, ये q3 आ गया। रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:3:5। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये रेशियो 1:3:5 कैसे है? कोई डाउट इसमें? सर एक बार वापस बता दो 4q1 वाला। देखो मैंने ये बताया कि पहले सिग्मा को बराबर कर लो। सिग्मा बराबर करके रेडियस आर, 2r और 3r का स्क्वायर है ना, तो ये q1 है, तो इसको 4q1 को 9q1 होना पड़ेगा। ये क्लियर है? यस सर, ये तो आ गया। सिग्मा आउटर सरफेस का है तो ये चार्जेस फिक्स हो गए, ये चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, ओके सर। इंडक्शन तो लगेगी, ये q1 तो ये -q1, तो यहां पर +q1 कहां गया? आपको हो गए, वो ऑलरेडी इसके अंदर छुपा हुआ है। 4q1 माइनस ओके क्यू वन वो ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है। तो इस शेल का नेट चार्ज इनको ऐड कर दो 5q1, इस शेल का नेट चार्ज ऐड कर दो 3q1। आंसर ओके सर। ठीक है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो यही इसमें किया हुआ है कि डेंसिटी बराबर है और ये सब 1:3:1। एक रिजल्ट है, ये कंपटीशन के अंदर आएगा, इसका प्रूफ नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, प्रूफ नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना। ये न्यूमेरिकल का प्रूफ नहीं करेंगे, देखेंगे एक बार, पर इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई एक स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर ये रहा, इसके ऊपर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम वाइज, तो इसके अंदर चार्ज ही चार्ज है, ऐसे था। इसमें से आपने एक स्फीयर का पार्ट काट दिया और फेंक दिया तो कैविटी बन गई, बीच में खालीपन आ गया इसमें। उसके अंदर आपने एक पी पॉइंट ले लिया इस खाली जगह में और ये पूछ लिया कि जो बचा हुआ चार्ज है वो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा, आपको ई बताना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि ई की वैल्यू बतानी है? कैसे बतानी है? आपको ये बताना है कि अगर आपके पास कोई भी एक सॉलिड स्फेयर है तो ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, अंदर चार्ज है ऐसा, और आपने क्या किया इसमें कैविटी कर दी, ये लो कैविटी। कैविटी करने का मतलब है कि आपने इसको ये हटा दिया, तो आपने क्या क्या निकालना है? यहाँ पे कहीं भी पी पॉइंट है जहाँ पर आपको नेट ई की वैल्यू बतानी है क्या है। ठीक है, और आपको ये गिवन है कि इसका सेंटर और इस स्फीयर का सेंटर के बीच में डिस्टेंस ए वेक्टर या ए है, मैग्नीट्यूड ए है, ये आपको गिवन है। ठीक है यहाँ तक? तो ए की वैल्यू इसमें गिवन है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन है, हम क्या कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन प्लस वन में किए जिसमें कैविटीज बनती हैं, सबसे पहले हम ये मानते हैं कैविटी नहीं है, इस पूरा ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का जो चार्ज है वो इस पॉइंट पर क्या ई लगाएगा वो निकाल लेते हैं। फिर हम ये मानते हैं कि सिर्फ कैविटी वाला स्फेयर है जो चार्ज्ड है, कैविटी वाला स्फेयर जो चार्ज्ड है वो इस पॉइंट पे ई क्या लगाएगा वो निकाल लेंगे। तो टोटल स्फेयर ई लगाएगा मान लो ई1, कैविटी वाला लगाएगा ई2, पर हम कैविटी वाला स्फेयर को तो उठा के फेंक दिया तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस।
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि पहले टोटल निकाल लो, उसमें कटे हुए पोर्शन को फेंक दो तो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, पहले पूरे स्फेयर का ई निकाल लें। पूरे स्फेयर का अगर आपको ई निकालना है तो एक फॉर्मूला हमने गॉस थ्योरम में किया था, सॉलिड स्फेयर की एप्लीकेशन थी जिसमें ये प्लस चार्ज है, और हमने मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो अपने फॉर्मूला नोट किया होगा कि सेंटर से आर डिस्टेंस दूर अगर ई की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास ये ई की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला याद हो गया, फॉर्मूला याद हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि सपोज करो एक मिनट के लिए, ये आपको डिस्टेंस दोनों सेंटर्स का ए गिवन है, आप इमेजिन करो कि ये एक पी पॉइंट है, इसके सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस इमेजिन कर लो आर है, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, ये बी है। ए और बी और आर को मैं इलिमिनेट कर दूंगा, आंसर ए की फॉर्म में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बी और आर तो गिवन ही नहीं है। पर मुझे एक चीज बताओ कि अगर सपोज पूरा स्फीयर लिया जाए, ये पूरा स्फीयर है चार्ज्ड स्फीयर, और ये सेंटर है और ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस बी है, पी पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस बी है तो यहां पर ई की वैल्यू बोलो क्या होगी। अगर ये डिस्टेंस आर होता तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये डिस्टेंस बी है तो रो बी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये स्टेप क्लियर है? किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर ई का निकालने का तरीका क्लियर है? तो रो बी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट इसमें? फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर है, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। अब इस चीज का आंसर दो कि सपोज करो एक छोटा स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर है, कैविटी वाला, कैविटी वाला स्फीयर का सेंटर सी डैश है, और पी पॉइंट तक इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो आर है। तो ये भी तो सेम केस है, एक सॉलिड स्फीयर चार्ज्ड है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, तो यहां पर ई का फॉर्मूला क्या होगा, रो इंटू आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक? तो हम यही करने वाले हैं इसमें। पहले एक बड़ा स्फीयर लेंगे, बड़े स्फीयर के लिए पी पॉइंट है, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है, बी है, तो रो बी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर छोटा कैविटी लेंगे, कैविटी के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी आर है, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। पर कैविटी को उठा के फेंक दिया स्फीयर को, तो उसका ई हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये टर्म आ गई। अब ये ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, तो इसमें बी वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर का, तो यहां से आर वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर की जगह बी माइनस ए। इसे ओपन करेंगे, ओपन करके फाइनल रिजल्ट इसके इक्वल आएगा, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन। तो आपने फॉर्मूला रजिस्टर में आपने कुछ नहीं करना, ये नोट लिखो डायग्राम के साथ कि आज के बाद एक स्फीयर है और कैविटी है और दोनों के सेंटर में दूरी ए है, तो पी पॉइंट कैविटी में जहां मर्जी ले लो, आंसर रो ई का कांस्टेंट आएगा, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला नोट करो सीधा, तो आज के बाद इस टाइप की प्रॉब्लम में सीधा फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज का बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है आपका, अगले चैप्टर के बाद फॉर्मूलाज का टेस्ट भी होगा, फॉर्मूलाज ही बहुत बने हुए हैं।
देखो क्वेश्चन है कि ये नहीं करना हमने, ये भी नहीं करना अभी, ये करना है। ये क्वेश्चन मेंस में पता नहीं कितनी बार आया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपको मैंने पुराने पेपर दिए सॉल्व करने के लिए, जो ऑनलाइन है वो भी मेरे से व्हाट्सएप मंगा लें। आज मैंने प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों के, तो मेरे से असाइनमेंट ले लें, वो सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। तो उसकी जो डिस्कशन है वो क्लास में नहीं होगी, बहुत बड़े पेपर्स हैं वो, 90-90 क्वेश्चन हैं। हाँ क्लास के बियॉन्ड जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस वाले अगर उसको 60% से ऊपर पेपर सॉल्व कर पाते हैं तो समझो ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% का टारगेट ना लेके चलें, ऐसे ही गलत उसमें चलें कि मैं सारा पेपर कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं। नीट वाले फिर भी सोच सकते हैं कि मैं 70% से ऊपर सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ ट्राई करें, और जो डाउट है वो क्लास के बाद जैसे मर्जी मुझसे पूछें, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वालों को बस थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ईजी आएगा, नॉन मेडिकल वालों को कैलकुलेशन वाइज थोड़ा इंटीग्रेशन ज़्यादा आ जाएगी, कॉन्सेप्ट वाइज दोनों में आ सकता है। इस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं आती, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है, लिखना चाहे लिख भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम है क्या, इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में एक चीज सीखी कि अगर आपके पास कोई लाइन चार्ज है एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें, अगर मैं कहूं इसकी लेंथ एल है तो बोलो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे, लैम्डा लैम्डा इनटू इनटू एल, एल। बिल्कुल सही, ठीक है यहां तक। लेकिन हमने ये सीखा कि अगर चार्ज यहां पर ज्यादा और यहां पर थोड़ा कम है, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, लैम्डा इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, तो एक्स अगर बढ़ता जा रहा है तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यानी कि लैम्डा यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो आप इसका चार्ज चार्ज लैम्डा इनटू एल से नहीं निकाल सकते, ये गलत तरीका है, नहीं लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन लास्ट टाइम सिखाई थी, कैसे मैंने सिखाया था कि आप इसमें एक स्मॉल क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे, आप इसमें स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएक्स, जिसके और एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या लेंगे एक्स, इसके ऊपर स्मॉल चार्ज क्या होगा डी क्यू, तो सबसे पहले डी क्यू निकलेगा कैसे, लैम्डा इंटू डी एक्स, और टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला लैम्डा इंटू डी एक्स की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से लेंथ तक, क्लियर है यहां तक। और लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो भी के एक्स है उसकी इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, क्लियर है यहां तक। तो एक काम करें, आप फॉर्मूला बुकलेट में एक चीज लिखें कि सपोज, ठीक है, आप इसमें एक शॉर्टकट लिखें कि व्हेन लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, तो उस केस में चार्ज टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा इनटू डीएक्स की क्या, इंटीग्रेशन। फिर लिखें व्हेन सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, अगर मान लो सरफेस एरिया चार्ज है और सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, तो फिर चार्ज की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, यहां पर सिग्मा इनटू बोलो क्या डीएस, एरिया वाइज इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अगर रो कांस्टेंट नहीं है तो फिर बोलो क्या आएगा यहां पर, रो इनटू डी वी, क्योंकि रो जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वॉल्यूम वाइज, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो आपको ऐसे इंटीग्रेशंस करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आपने तीनों चीजें याद रखनी है। तो अब दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, अगर तो लैम्डा कांस्टेंट है फिर तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इनटू एल, अगर सिग्मा कांस्टेंट है चार्ज इनटू सरफेस एरिया, और अगर रो कांस्टेंट है रो इनटू वॉल्यूम, पर अगर तीनों कांस्टेंट नहीं है फिर इंटीग्रेशन, ठीक हो गया यहां तक। तो अब इसी के ऊपर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एक स्फेयर है, स्फेयर का रो कांस्टेंट नहीं है, और अगर एक स्फेयर के अंदर चार्ज है, रो की बात हो रही है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है,
रो इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो मेडिकल के लोग समझते होंगे इसमें फंक्शन ऑफ आर का मतलब कि जो रो है उसके फॉर्मूले में आर आ रहा है, आर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये रो इंटू आर नहीं है, रो रो इज इक्वल टू आर है, रो इज इक्वल टू ये टर्म है, तो आर का इसको में मतलब है नहीं, तो यानी कि जो फॉर्मूला है वो आर के ऊपर डिपेंडेंट है, और फॉर्मूला हमें दे रहा है वो क्या, क्यू आर बाई पाई कैपिटल आर फोर, तो स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल आर पे ये डिपेंडेंट है, स्मॉल आर पे डिपेंडेंट का मतलब समझते हो, स्मॉल आर पे डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये रेडियस तो कैपिटल आर है, ये क्या है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो इसके अंदर चार्ज कैसे है, रो की वैल्यू क्या थी अभी, रो इज इक्वल टू कितना, क्यू आर बाय जो भी है, जो भी है छोड़ो, मेन चीज तो ये है, तो रो के प्रोपोर्शनल है, ठीक, तो इसमें रो जो है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेंटर पे रो जीरो है, कोई चार्ज नहीं, दूर जाएंगे तो रो बढ़ता जाएगा, तो यानी कि यहां पर चार्ज कम है लेकिन बिल्कुल एंड में जाएंगे तो चार्ज बहुत ज्यादा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब रो प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब रो इज नॉट कांस्टेंट, क्लियर है, तो इसका मतलब रो कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं कहूं टोटल चार्ज निकाल लो इस बॉडी का, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, रो इंटू क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, अब स्मॉल वॉल्यूम किसका, टोटल वॉल्यूम तो स्फेयर का मैं निकाल सकता हूं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल किसका ये देखना पड़ेगा, जैसे लेंथ थी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अगर लेंथ एल है तो ये लेंथ किसकी बनी होती है, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स की, डीएक्स डीएक्स डीएक्स, ऐसे ही सॉलिड स्फेयर किसका बना होता है, बहुत सारे शेल्स का, बहुत सारे कंसेंट्रिक शेल्स का, तो जैसे ये एक शेल है, ये एक शेल है, इसके अंदर चार्ज है, तो ये एक शेल है लेट अस सपोज, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है, ऐसी एक और शेल बाहर होगा, अंदर होगा, शेल पे शेल लगाते जाओ, क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फेयर बन जाएगा, क्लियर है यहां तक, तो याद रखना रॉड किससे बनी होती है, स्मॉल एलिमेंट डीएक्स से, सॉलिड स्फेयर किसका बना होता है, शेल से, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन सॉलिड स्फेयर पे ही आएगा, क्लियर है, अब सॉलिड स्फेयर, ये एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या, ये समझ लेते हैं पहले एक मिनट, तो डेंसिटी रो कांस्टेंट नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, नेक्स्ट है इस पूरे स्फेयर के ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बात अलग है, लेकिन टोटल चार्ज क्यू है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है, नेक्स्ट है वो कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है कि कोई पॉइंट पी है इनसाइड अ स्फेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन, तो आर वन डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पर मुझे ई निकालना है, सिंपल, मुझे एक चीज का आंसर दे प्लीज, कि अगर ये एक सॉलिड स्फेयर है, ये रहा, अगर ये एक सॉलिड स्फेयर है ऑफ डेंसिटी रो और इसके आर डिस्टेंस दूर मुझे ई निकालना है, क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला किया है गॉस थ्योरम में सॉलिड स्फेयर के अंदर ई निकालने का, बोलो क्या फॉर्मूला किया है, ई इज इक्वल टू क्या, रो आर बाय थ्री, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूं और रो की वैल्यू को पुट कर दूं, गलत गलत, अगर ये फॉर्मूला लगता तो इतनी लंबी कहानी क्या सुनाता इंटीग्रेशन की, ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता इसमें, क्यों, क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है, और हमारे गॉस थ्योरम में जितने प्रूफ थे उसमें लैम्डा सिग्मा रो सब कांस्टेंट थे, उसमें इंटीग्रेशन यूज ही नहीं की हमने चार्ज निकालने के लिए, क्लियर है, तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, ठीक है, तो कोई गॉस कोई फ्लक्स का फॉर्मूला मत लगाना रो और सिग्मा का या लैम्डा का जिसमें ये सब कांस्टेंट ना हो, तो नया ही मेथड निकालना पड़ेगा ऐसे केस में, क्लियर है यहां तक, तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, और अगर रो कांस्टेंट होता तो ये फॉर्मूला टिक मार्क सीधा आंसर, इतनी डिस्कशन ना होती, ऑप्शन मार्क डन, तभी तो एनसीईआरटी में रो कांस्टेंट पे क्वेश्चन आएगा, सीधा फॉर्मूला मार्क करेंगे डन, मेंस और नीट में रो वेरिएबल पे क्वेश्चन डाल देंगे वो, तो फिर ये करना पड़ेगा क्योंकि उनको पता है कि, और वो ऑप्शन जरूर देंगे रो कांस्टेंट वाला, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, और लोग कहेंगे बढ़िया हो गया पेपर, क्यों जी, क्योंकि हमने फॉर्मूला याद था, उनको ये नहीं पता कि फॉर्मूला चलेगा नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अब होगा क्या, अब एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है और जिसमें
रो कांस्टेंट नहीं है, इसमें रो कांस्टेंट नहीं है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पी पॉइंट पर ई निकालना है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर ई निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या कंसिडर करें, गॉशियन सरफेस। तो गॉशियन सरफेस मिलाएं, फिर से क्या बन गया, एक स्फेयर। इस स्फेयर का ई इंटू एरिया क्या बनेगा, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इज क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही होगा। तो अगर मैं आपको इस ब्लैक कलर की गॉशियन सरफेस का अंदर का चार्ज बता दूं, बस इतना, आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है यहां तक कोई डाउट, इसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें तो अपने को क्या निकालना है, इसका चार्ज निकालना है, शेडेड चार्ज निकालना है। कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। yes. देखो मैंने ये बताया कि अगर सपोज करो ये चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, और मैंने ये कहा कि आर डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, ई निकालना है। तो अगर आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, टेक अ गॉशियन सरफेस, बन गई। इस गॉशियन सरफेस में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर फ्लक्स है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली फ्लक्स क्या होता है, ये होता है क्लोज बॉडी का। तो क्यू इनसाइड अगर मैं निकाल दूं यहां से, ये वाला चार्ज, ये जितना भी चार्ज है रेड, पुट करके ई आ जाएगा। तो अपने को स्मॉल आर स्फेयर के अंदर क्या निकालना है, चार्ज। कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे। तो एक ना थंब रूल है, आप ये ना सोचें कि नया क्वेश्चन आएगा क्या, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। कहीं सोचे नई फिगर आएगी, कोई नई फिगर नहीं आएगी, यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा। बस एक साल के लिए इतना याद रखना किया क्या हमने, यही बहुत बड़ी बात है। तो स्फेयर पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये सॉलिड स्फेयर है, ये वाला, और मुझे क्या करना है, सॉलिड स्फेयर किसका बना हुआ है, बहुत सारे शेल्स का। तो मान लेते हैं कि मुझे आर वन डिस्टेंस, गॉशियन सरफेस अंदर वाली, तो मुझे आर वन डिस्टेंस का चार्ज निकालना है, मतलब इस इतना चार्ज निकालना है, ये वाला जो ब्लू कलर का चार्ज है, राइट, क्लियर है? तो मैं क्या एज्यूम करूंगा, इस पोर्शन को मैंने यहां बना लिया बाहर, ये कुछ पूरा नहीं है, सिर्फ ये वाले पोर्शन को यहां बना लिया। ध्यान आगे, सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है, कंसेंट्रिक शेल्स का। एक शेल ले लिया ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डीआर, तो इसका जो एरिया है शेल का 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस कितनी है डीआर, तो वॉल्यूम कितना बनेगा, एरिया इनटू थिकनेस, स्मॉल वॉल्यूम डीवी आ गया। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम आ गया, इस शेडेड पोर्शन का स्मॉल चार्ज निकाल लेते हैं। इस शेडेड पोर्शन का चार्ज निकाल लें, फिर सभी शेल्स का डी क्यू चार्ज निकाल के ऐड करके टोटल चार्ज आ जाएगा, इसमें बात खत्म। तो ये एक सॉलिड स्फेयर लिया ऑफ रेडियस आर वन लिया, शेल लिया, शेल का वॉल्यूम निकाल दिया। इसका अगर टोटल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला रो डी वी सिखाया आज मैंने अभी। रो आपको क्वेश्चन में गिवन है क्यू आर बाय पाई कैपिटल आर 4, और डी वी क्या है इसका, डी वी है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब हर क्वेश्चन में होना पता है क्या है, कॉम्पिटिशन के अंदर वो क्या करने वाले हैं, वो आपका रो का फॉर्मूला चेंज करने वाला है। रो
मेडिकल में रो आसान दे देंगे स्मॉल आर बस, ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। नॉन मेडिकल में कुछ ऐसा दे देंगे, थोड़ी इंटीग्रेशन ज़्यादा करवा लेंगे। पर चार्ज निकालने का सॉलिड स्फीयर के अंदर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो आपको चार्ज कितने पोर्शन का निकालना है, आर वन का, तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से आर वन। तो आर वन पोर्शन का चार्ज आ गया, गॉसियन सरफेस का चार्ज आ गया। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर, जो भी गॉसियन सरफेस है यहाँ पर, ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इन साइड स्फीयर ऑफ रेडियस आर वन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर वन में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल, छोटे आर वाली टर्म्स अंदर, बाकी सब बाहर। इसकी इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, लिमिट पुट कर देना, आंसर आ गया। बस मेडिकल के अंदर क्या होगा, ये पोर्शन ये हटा देंगे, सिर्फ स्मॉल आर दे देंगे, या स्मॉल आर बाय 4π दे देंगे, 4π 4π कट गया, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, एक मिनट में आंसर आ गया, थोड़ा छोटा देंगे। बट ये वाला कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, दिस विल रिमेन सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मेन्स का आया हुआ प्रॉब्लम है, वैसे मेडिकल में भी आ सकता है, फिर से मेन्स का आया हुआ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ना, ये क्वेश्चन की बस स्टेटमेंट चेंज की है, फिर से एक सॉलिड स्फीयर है, फिर रो दे दिया, और रो स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है। तो रो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसमें रो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर में रो की वैल्यू, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हो तो रो ये फॉर्मूला कैपिटल आर तक, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है रो का। पर अगर आप बाहर चले जाते हो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो रो क्या हो जाएगा, जीरो। वो तो वैसे ही पता है हवा में रो कहां से आ जाएगा, वो तो वैसे भी जीरो ही रहेगा। तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दो स्टेटमेंट दे दी। क्या कह रहा है इसमें, आपको स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे ई निकालना है, यानी कि सॉलिड स्फीयर के अंदर ई निकालना है। तो वही सेम रूल है, अंदर ले लें गॉसियन सरफेस, और अंदर का ही क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। तो ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये रखो, ई इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर का चार्ज बाई क्यू नॉट। अब इस अंदर का चार्ज जिसका रेडियस स्मॉल आर है, वो कैसे निकलेगा, रो इंटू डी वी मेथड कराया, और डी वी में क्या पुट करना होता है, 4π r² इंटू डी आर। रो चेंज कर दिया, मेडिकल वाले छोड़ दे इस क्वेश्चन को, नॉन मेडिकल वाले देख लेंगे। रो की वैल्यू पुट कर दी, और कांस्टेंट बाहर आके इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म से इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन पे इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैथ्स वाले अभी शुरू कर देंगे, तो आपको ये सब स्टेप्स कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटीग्रेशन का डर खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपको सारी करवा देंगे। हालांकि हमने भी की हुई है, पर मेडिकल वाले छोड़ दें, इतनी टफ इंटीग्रेशन उनको आने वाली है नहीं। पर हाँ, उनका रो इजी दे देंगे, वो बात अलग है, ताकि इंटीग्रेशन एक स्टेप में खत्म हो जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ गया सबको कैसे करना है, ठीक है। तो मैथ्स वालों को स्टेप भी समझ में आ जाएंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सिर्फ आर वाली टर्म को अंदर रखना है, और लिमिट पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेथड क्लियर, बहुत बार रिपीट होता है मेन्स में, तो बहुत बार होता है, रो चेंज करता रहता है बस वो बैठ के, बस बाकी मेथड सेम ही होता रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये, वैसे एक बार क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन है, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू बी हैव अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस. पॉइंट न्यूक्लियस का मतलब जैसे पॉइंट है जिसके ऊपर चार्ज जेड है एंड सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस कैपिटल आर. तो एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर. ये पूरी स्टेटमेंट ये कह रही है, एक एटम कंसिडर करो. उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज जेड है और ये न्यूक्लियस का कोई साइज नहीं है, ये पॉइंट है. तो पॉइंट चार्ज है. इसके आसपास नेगेटिव चार्ज है जो घिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे कि न्यूक्लियस घिरा हुआ है. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है यहाँ तक? तो अगर नेगेटिव चार्ज वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, ठीक, वो ये कह रहे हैं इसके सेंटर से इस एटम के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकाल लो. तो एक सॉलिड स्फीयर हो गया, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ई निकालना है. कोई गॉस थ्योरम का फॉर्मूला नहीं चल सकता क्योंकि गॉस थ्योरम के फॉर्मूले में ऐसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस होते कहाँ हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे चलता है. तो जब गॉस नहीं चलता तो अपने को गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी. तो हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या बना दी, गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पर इस शेडेड में गॉसियन सरफेस क्या है, इन टू फोर पाई आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस का फ्लक्स आ गया, ऐसे निकलता है ई इन टू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इन साइड दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज इन साइड दिस सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसके अंदर चार्ज क्या होगा, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज. तो इलेक्ट्रॉन की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है. मान लो इस पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी रो है जो कि पूरे एटम के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो मुझे क्या चार्ज निकालना है, बस इसके अंदर का चार्ज निकालना है. बस ये इसका अंदर का चार्ज निकालना है. इसके अंदर का चार्ज क्या होगा, एक तो ये पॉइंट चार्ज होगा ZD, एक तो ये पॉइंट चार्ज होगा ZD, और दूसरा क्या होगा, इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³ इंटू इसकी डेंसिटी रो. इलेक्ट्रॉन्स का हमने वॉल्यूम ले लिया 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी रो. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो टोटल जो गॉसियन सरफेस है उसका ई इंटू 4πr² इज टोटल चार्ज इन साइड दिस सर्फेस विच विल बी इक्वल टू वॉट, ZD प्लस रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब रो तो मुझे गिवन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का रो तो गिवन ही नहीं है, तो रो निकाल लेते हैं. रो कैसे निकलता है, रो निकालने के लिए उसने क्या कहा कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है उनका सम जीरो होना चाहिए. अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, ZD, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है टोटल एटम में, रो, रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू पूरे एटम का वॉल्यूम. पूरे एटम का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, तो ये न्यूक्लियस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज का सम जीरो. तो यहां से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, रो आ गया. इस रो की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर लेते हैं, सॉल्व करके आंसर आएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले स्मॉल आर डिस्टेंस पे गॉसियन लेनी है, ई इंटू 4πr² इस गॉसियन के अंदर का चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट. इस गॉसियन का अंदर का चार्ज क्या है, ZD, और इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³ इंटू रो. तो अपने को रो निकालना है. तो टोटल एटम न्यूट्रल है, टोटल एटम में न्यूक्लियस का चार्ज और टोटल एटम में डेंसिटी रो है, और इनटू डेंसिटी कितना वॉल्यूम, टोटल एटम का वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इक्वल टू जीरो. रो को पुट करके आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, इस एटम का अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बाहर ई निकालो तो क्या होगा, यहां पर ई की वैल्यू क्या होगी, बाहर जीरो. क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो है. कि जब आप यहाँ गॉसियन बनाएंगे और फ्लक्स निकालेंगे तो इस गॉसियन सरफेस का अंदर चार्ज क्या आएगा, जीरो. तो ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो कोई भी एटम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं लगाता, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?